कौमी सदर अम्बेडकर नेशनल कांग्रेस अलहाज नवाब मोहम्मद काजम अली खान साहब ने शहरियत तरमीमी बिल के सिलसिले में मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि सन 1950 से जो लोग हिंदुस्तान में मुकीम हैं उनको शहरियत दी जाएगी। उन्होंने हुकूमत से सवाल किया कि किस नक्शे की बुनियाद पर यह फैसला लिया गया है। उन्होंने अवाम को मशवरा दिया कि अब वक्त आ गया है कि अवाम इकट्ठा हों और सियासी जमातें इकट्ठा हों, वरना हिंदुस्तान का शेराजा बिखर जाएगा। देखिए, मरकज में भारतीय जनता पार्टी को लाने के लिए हिंदुस्तान की आवाम ने उनको वोट दिया, और वो वोट देने से पहले ये धूम मची थी कि सारे मिशनों को जो है ना टेम्पर किया गया जी। और महाराष्ट्र के कलेक्टर ने वो रिपोर्ट भी सबमिट करी, हाँ बेशक इसमें कलेक्टर इसको जो है ना टेम्पर किया गया। और हम ये बताए, हमारा बयान है अम्बेडकर नेशनल कांग्रेस का कि सब सारी सियासी जमात एक प्लेटफॉर्म पे हैं और इलेक्शन कमिश्नर के महकमे में कोई बर्खास्त कर दे, क्योंकि असेंबली की में जो नाइंसाफियाँ हुए हैं बिलखसूस उत्तर प्रदेश वगैरह में, तो हमने कहा था चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट और चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाया जाए और हर स्टेट के चीफ जस्टिस को जाना चीफ इलेक्शन कमिश्नर बन जाए जी, वो भी जजेस का महकमा है, किसी की आवाज़ नहीं उठेगी और ना इंसाफी नहीं होगी। मगर कोई भी सियासी जमात इस पर ध्यान नहीं दी, उसका रिजल्ट ये हुआ कि भारतीय जनता पार्टी बादाबता जो है ना प्री प्लान करके उनके हमसाया सियासी जमातों को लेकर आज हिंदुस्तान की क़यादत संभाली है। इसके अंदर जो है सिर्फ हिंदू सिख ईसाई बुद्ध पारसी लोगों को शहरियत दी जाएगी बोल के अमित शाह का जो तो कहना है, मुसलमानों को नहीं दिया जाएगा। उसके लिए तो हमने अपना बयान जारी कर दिया है कि जो हो रहा है हिंदुस्तान में ये जुल्म हो रहा है मुसलमानों पर जी। इनको तीन तलाक से कोई मसला नहीं, इन्होंने तीन तलाक का इशू उठाया, उस पर हम सुप्रीम कोर्ट में रुजू हैं जी। तनहा रुजू हैं अम्बेडकर नेशनल कांग्रेस के लिए बहस काजम अली खान इंडिपेंडेंट के तौर पर उसमें रुजू है, और एक बिल पास करें इन्होंने कहा कि बगैर FIR के किसी को अरेस्ट कर लेंगे, उसको भी मैंने चैलेंज किया, मगर चीफ जस्टिस ने कहा इसको विड्रा हो जाना चाहिए जी, आप अपने स्टेट के अंदर जाके करिए, हम उसको विड्रा लिए। हमारा मतलब क्या है, अवाम सुनना नहीं चाहते। और नॉर्थ इंडिया हमारे साउथ इंडिया के ऊपर इतना असर कर रहा है, यहाँ हिंदू या मुसलमान या सिख या ईसाई कभी लड़ते नहीं हैं, बल्कि हर चीज हम मुसलमानों के ऊपर मुसलत करती, और मुसलमान ना एकता होते ना मिली जुला मिल के काम करने का जो ना सोचते। अच्छा, ऑल इंडिया अम्बेडकर नेशनल कांग्रेस का इसके बाद का स्टेप क्या रहेगा? देखिए, हमारा ये बोलना है अगर इस किस्म का हम पर जुल्म करते रहेंगे, अवाम पर जुल्म कर देंगे, तो शायद साउथ इंडिया एक नया इनकलाब लाएगी हिंदुस्तान के अंदर और उसके मुश्किलात सारे हिंदुस्तान के लोग। देखिए, कहीं दलितों को मार दिया जाता है, कहीं मुसलमानों को मारा जाता है, भाई गाय काटे गाय खिलाए। देखिए, सुप्रीम कोर्ट एक जजमेंट दिया कि कोई आदमी बैल नहीं लड़ाएगा, आज टाइम लड़ाए बैल लड़ा रहे, जिसपे सदर जमहूरिया हिंद में भी दस्तखत की। तो आवाम का एहतजाज अगर शुरू होगा तो बहुत मुश्किल हुआ। आप कहते हैं कि जो ना 71 के बाद जो लोग आए, 1947 के बाद भी लोग आए, अभी तो 50 साल 1950 से जो सो लोग डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं। देखिए, सवाल ये है कि आप 1950 से कहीं को मानते हैं, आप 1946 से मांगो, आपके लोग भी तो आए। आप आसाम वालों पर जुल्म करते, एक करोड़ मुसलमान दलित आदिवासी परेशान है वहाँ पर, इसलिए तो लोग बोल रहे हैं कि हम हिंदू को शहरियत देंगे लेकिन मुसलमान को शहरियत नहीं देंगे। सवाल ये है हमारा कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कौन से नक्शे की बिना के ऊपर हिंदुस्तान का हिस्सा आज़ाद किया, आज वो हिस्सा बांग्लादेश भी बन गया, आज वो हिस्सा पाकिस्तान भी बन गया, आज वो हिस्सा हिंदुस्तान भी बन गया। हमको ये देखना चाहिए कि किस नक्शे की बिना के ऊपर हमको जो है ना इन्हों आज़ादी के साथ हमारे को वो नक्शा दिए, चाहे वो आसाम क्यों नहीं होता, चाहे बांग्लादेश क्यों नहीं होता, चाहे पाकिस्तान कोई नहीं। तो तकसीम करने में आपका ही हाथ रहा, कांग्रेस का हाथ रहा। अभी अवाम जो है सो इस वक्त बहुत परेशान हाल में है, अवाम के लिए कोई मैसेज दीजिए। देखिए, हमारा मैसेज ये है कि अब अवाम इकट्ठा हो, अब सियासी जमातें इकट्ठा हो, वरना हिंदुस्तान का शेराजा बिखर जाएगा। अरुणाचल प्रदेश
राजनाथ सिंह साहब के तो चाइना बोला भाई आप क्यों मुदाखला करते हैं, हमारा इलाका आपका इलाका कहता है, झंडा हमारा चलता है, तिरंगा हमारा चलता है। अगर ये हाल होगा तो मणिपुर एक जाएगा, नागालैंड एक जाएगा, कल खुदा ना खाता खालिस्तान का इशू ना उठ जाए। तो अभी हमारा ये बोलने का मतलब है कि जो भी अमित शाह जी कर रहे हैं या प्राइम मिनिस्टर जी करें, मुल्क की भलाई के लिए करें। कहीं आप तीन तलाक के ऊपर कानून पास कर रहे हैं, कहीं जो है ना आप ये इख्तियार दे दें आपको कि जो है ना जब चाहें आप किसी को अरेस्ट कर लेंगे, उसका FIR इशू नहीं होगा। क्या हो रहा है, एक जंगल राज हो रहा है। अगर मरकजी हुकूमत ऐसा करेंगे तो फिर स्टेट गवर्नमेंट वाले तो बहुत कुछ करेंगे। अभी जो लोग शाखों में उतर आए हैं आसाम में मेघालय में, देखिए हमारा बोलना है अगर आप सबको शहरियत देते हैं तो मुसलमानों को भी शहरियत देना चाहिए। हम तो खुले अल्फाज में बोलेंगे आप आसाम के हर फर्द को जो है ना आप शहरियत दे दीजिए। सुप्रीम कोर्ट बोलता है किसी जायदाद के ऊपर 12 साल से किसका कब्जा मुखालिफाना है तो मालिकाना हकूक है। जी बिल्कुल सही है। तो हम इस मसले के ऊपर चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट से अपील करते हैं कि इसको बिल्कुल ठंडे दिल से सुलझे हुए अंदाज में मुल्क की सलामती के लिए वो इकदाम करें। हम जो चाहे बिल कर देते हैं, सदर जमहूरिया हमारे पास बेचारे गरीब आदमी हैं और सदर जमहूरिया उन्हें मजबूर है। आप बताइए एयरपोर्ट पे दस्तखत होती है, कोई भी बिल अगर पार्लियामेंट में ऐसे पास होती है राज्यसभा में तो वो मंजूरी के लिए जो है ना अटॉर्नी जनरल के पास जाता है जी, मगर उसके दस्तखत हो रही एयरपोर्ट पर दस्तखत होते ऐसी क्या जल्दी है। मैंने अपने स्टेटमेंट कहा कि प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया को ऐसी क्या जल्दी थी कि जो एयरपोर्ट पे इन्होंने दस्तखत दे लिए और उन्होंने दस्तखत कर लिया। तो ये सरासर जो है मुसलमानों को परेशान करने की पॉलिसी है। मैं फिर एक बार प्राइम मिनिस्टर से होम मिनिस्टर से अपील करता हूँ कि ऐसे बिल ना पेश करें जिसकी वजह से मुल्क में अफरा तफरी बैठ जाए। अफरा तफरी पार्लियामेंट में कल ही जो परसेंट जो है कुछ आवाज़ उठी है कि फिर एक पार्टीशन होने वाला है। भाई वो तो वो सियासतदान जो मंजेवे सियासतदान है या जिनमें ताकत है खुवत है उन्होंने आवाज़ उठाई। हमारी अपील है उनसे कि भाई मुल्क को तकसीम ना करें। देखिए आज हमारा तेलंगाना तकसीम होगा तो मुसलमान तकसीम हो गए, दलित तकदी हो तकसीम हो गए, आदिवासी तकसीम हो गए, हर आदमी तकसीम हो गया। मुल्क की भलाई के लिए मुल्क की इकाई के लिए आपको मेरे को सबको मिलकर काम करना पड़ेगा। मेरी सब सियासी जमातों के कायदे से अपील है कि ऐसी चीज़ों को रोकें, रैंक रोकने की कोशिश करें। अगर हम सलामत हैं, मुल्क सलामत है तो हम सलामत है, मस्जिद सलामत है, मंदिर सलामत है, चर्च हो या गुरुद्वारा हो, मुल्क की एकता के लिए आपको हमको सबको मिलकर काम करना पड़ेगा। और हमारी तमाम हिंदुस्तानी लोगों से अपील है कि वह अमन अमान से मुल्क को सलामती के लिए काम करें। हम सारी सियासी जमातों से अपील कर देंगे इस मसले को सोच के समझ कर जो है सदर जमहूरिया इन तक रुजू हो जाए, वरना सुप्रीम कोर्ट में अगर कोई केस डालता है तो एक दिन की फीस 5 लाख 10 लाख 20 लाख रुपये होती है तो कहाँ गरीब आवाम उठाएंगा, लोगों को खाने को नहीं है। पहले पैसे पैसे थे परेशान, नोटबंदी से GST से ये। तो मेरी अपील है भारतीय जनता पार्टी के सरबराह बिलखसूस प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर से राजनाथ सिंह साहब से कि ऐसे एग्जाम ना करें जिसमें आप उसमें नफरत हो जाए और नफरत पैदा हो गए। मैं तमाम आवाम से अपील करता हूँ कि हम रामान के साथ हिंदुस्तान की बका के लिए सब मिलकर काम करेंगे। आइए हम एक नया हिंदुस्तान नहीं बल्कि नए हिंदुस्तान के आने वाली नस्ल के लिए अच्छे पैगाम देंगे। जय हिंद, जय अम्बेडकर।